6 to 9 न्यूज। स्वागत है आप सबका दर्शकों एक बार फिर से हमारे चैनल में। इस वक्त एंटरटेनमेंट जगत से लाए हैं हम आप सबके बीच बहुत ही खास रिपोर्ट। वेल ये रिपोर्ट है बिग बी को लेकर। जी हाँ, महानायक अमिताभ बच्चन को लेकर। वो महानायक अमिताभ बच्चन जिनसे कहा जा रहा है कि आप अब रिटायर हो जाइए। सलीम खान की वो बात आपने सुनी होगी। हर साल अमिताभ बच्चन के जन्मदिन पर पिछले कुछ साल से सलीम खान कहते हैं कि अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, अमिताभ बच्चन को रिटायर हो जाना चाहिए, अमिताभ बच्चन का अब समय काम करने का नहीं आराम करने का, क्योंकि सिर्फ 25% लीवर के सहारे अमिताभ बच्चन अपनी जिंदगी पिछले 30 साल से गुजार रहे हैं। कोहली फिल्म के एक्सीडेंट के दौरान जो उनके साथ हुआ, जिसके बाद हॉस्पिटल में उनके साथ हेपेटाइटिस बी के पेशेंट ने उन्हें ब्लड डोनेट किया था और हेपेटाइटिस बी को लेकर वो काफी परेशान रहे, जिसके बाद उन्हें स्पाइनल कॉर्ड ट्यूबरक्लोसिस का भी सामना करना पड़ा, अस्थमा पेशेंट वो बने, तरह तरह की बीमारियां, इसके बाद मायस्थेनिया ग्रेविस नाम की बीमारी से भी वो पीड़ित रहे। तो बीमारियों के बावजूद, इतनी बीमारियों के बावजूद, हॉस्पिटल के चक्कर हर कुछ सालों में लगाने के बावजूद अमिताभ बच्चन अपना काम जारी रखते हैं। फिल्म झुंड को लेकर अमिताभ बच्चन की खुशी आपने सुनी होगी। जब कोर्ट से फैसला आया कि उन्हें अब सिनेमा घर में रिलीज करने के बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाए, अमिताभ बच्चन काफी खुश हुए। इसके बाद अमिताभ बच्चन की बेटी अभिषेक सुनील बच्चन साहब की फिल्म रिलीज हुई। सुनील बच्चन साहब की फिल्म को लेकर भी अमिताभ काफी खुश हुए, भाइयों कहकर उनकी तारीफ करते नजर आए। और इसके बाद जया बच्चन के साथ उन्हें रिसेंटली स्पॉट किया गया एक शोक सभा कार्यक्रम में, जहाँ अमिताभ अपनी पत्नी का ख्याल रखते नजर आए। जया बच्चन और अमिताभ एक दूसरे का हाथ थामे भावुक अंदाज में नजर आए। यकीनन आप देखेंगे, आप सभी वाकई में कहेंगे, अमिताभ अगर इस गढ़ती गर्मी में भी, इस चिलचिलाती धूप के मौसम में भी शॉल लपेट कर अगर सीधा सिंपल अवतार में नजर आते हैं, क्योंकि वाकई में वो बीमारी से काफी अस्त व्यस्त है। तमाम बीमारियों के बावजूद अमिताभ शोक सभा में शिरकत करते हैं, उनकी यही पहचान काफी खूबसूरत है। तो अमिताभ बच्चन किस तरह से अपनी पत्नी जया के साथ नजर आए। जया जो रोती बिलखती भी शोक सभा में पहुंची शिव कुमार के गुजर जाने के बाद उनको अंतिम बार देखने के लिए। इस मौके पर उनके अंतिम संस्कार के वक्त अमिताभ और जया कितने भावुक हुए, उनका ये अंदाज आप जरूर देखना चाहेंगे। अमिताभ का जया के साथ ये व्यवहार आप देखिए, देखिए वीडियो।
तो ये आपने देखा किस प्रकार से अमिताभ और जया के बीच का ये संबंध काफी गहरा और काफी खूबसूरत होने के साथ साथ बढ़ती उम्र में और भी ज्यादा उन्हें एक दूसरे के साथ जोड़कर रखता है। जी हाँ, प्रापे किस उम्र में एक दूसरे के साथ ये इस तरह के शोक सभा में साथ होते हैं हर मौके पर, क्योंकि वो बच्चन परिवार के रीढ़ की हड्डी है। और देखा जाए तो जलसा में उनका तवज्जो अभी भी कम नहीं हुआ। खैर, फिलहाल वक्त हो चला है आप सब से इजाजत लेने का। बाकी तमाम ऐसी ही खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।